हाय गाइस, सो गाइस, आज का वीडियो आपको थंबनेल से टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको सनस्क्रीन क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो पहला रीजन आता है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन का। तो गाइस, अगर आपको अपने फेस पे काफी सारी पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन चाहिए तो सनस्क्रीन गाइस बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि गाइस जो सन रेज होती हैं अगर आप उनमें बिना सनस्क्रीन के जाओगे तो आपको काफी सारी हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन मिलेगी, और जो स्किन पे वो अनवांटेड ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, वो भी मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग सनस्क्रीन बिल्कुल मत लगाइए अगर आपको अपनी स्किन पे चाहिए पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन गाइस। नंबर टू, अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन में सन टैनिंग आ जाए, आपकी स्किन डिस्कलरेशन हो जाए, तो आप बिल्कुल भी सनस्क्रीन बिल्कुल यूज मत करना गाइस, क्योंकि सनबर्न चाहिए तो भी सनस्क्रीन मत यूज करना। सन रेज के आप जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, यूवीए यूवीबी जो रेज होती हैं वो जब आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तो आपको गिफ्ट मिलेगा सन टैनिंग का, सन बर्न का। तो गाइस, नेक्स्ट रीजन है, अगर आपको अपनी स्किन, जो आपकी यूथफुल स्किन है, जो आपकी यंग लुकिंग स्किन है, अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही है और आपको चाहिए कि कुछ साइंस ऑफ एजिंग आने चाहिए और कुछ आपकी स्किन पे अर्ली साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि फाइन लाइंस और लिटिल बिट ऑफ रिंकल्स होनी चाहिए आपकी स्किन के ऊपर, तो सनस्क्रीन बिल्कुल मत अप्लाई करना, क्योंकि जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो जो सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन को इन सारी जो भी फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, इससे काफी हद तक बचाता है आपकी स्किन को, क्योंकि जब हमारी जो स्किन है वो डायरेक्ट सन की रेज के कांटेक्ट में आती है तो हमारी जो स्किन है वो डल होने लगती है और उसके अपने अंदर की जो हेल्थ है वो रुइन होने लगती है, खराब होने लगती है, और वो अपनी जो एक उसकी इलास्टिसिटी होती है वो खो देती है, और तब आती है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनइवन स्किन टोन। अगर आपको चाहिए कि जो आपकी स्किन टोन है वो एक सी ना लगे, और अगर आपको चाहिए कि स्किन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग कुछ डिफरेंट सा लगना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अनइवन स्किन टोन, तो फिर सनस्क्रीन आप बिल्कुल अप्लाई मत करना, क्योंकि गाइस अगर आप ये अप्लाई करोगे तो जो सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन को अनइवन स्किन टोन से छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि अनइवन स्किन टोन तब होती है जब हमारी स्किन सन की यूवी जो रेज होती है उनके कॉन्टेक्ट में आती है, उस वजह से स्किन के ऊपर ऐसा इशू उभर के आता है। सो गाइस, लास्ट पॉइंट है, अगर आपको चाहिए कि जो आपके स्किन के प्रोटीन्स हैं, कोलेजन, इलास्टिन, कैरेटिन, ये सारी चीजें आपकी स्किन से चली जाएं, खत्म हो जाएं, तो फिर आप सनस्क्रीन बिल्कुल अप्लाई मत करो। गाइस, अगर आप सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो जो आपके जो स्किन के ये सारे प्रोटीन्स हैं जिनसे आपकी स्किन की एक ओवरऑल हेल्थ बनती है, एक ओवरऑल यू नो ग्लो बनता है आपकी स्किन पे, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके हट जाती हैं, और आपको अगर नहीं चाहिए कैरेटिन, इलास्टिन, कोलेजन अपनी स्किन में, तो सनस्क्रीन बिल्कुल अप्लाई मत करना। ओके गाइस, सो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज फनी लगी होगी और उन्हें थोड़ा सा यू नो सरकास्टिक भी लगा होगा, लेकिन गाइस क्या करें, जब आप लोग बार बार बताने के बावजूद भी नहीं समझते हैं कि सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके वेल विशर हैं, तो हमें तो आपको बताना पड़ेगा ना कि सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके लिए सरकास्टिक वे ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ेगा इस। ओके, सो आपने थंबनेल टाइटल में ये भी पढ़ा होगा कि मैं एक के ब्यूटी ब्रांड को भी रिव्यू करने वाली हूँ, तो वो है हमारा कॉसारक्स का सनस्क्रीन, एलो सूदिंग सनस्क्रीन, सो उसी को हम आज रिव्यू भी करेंगे, सो लेट्स बिगिन विद दैट फर्स्ट। एंड हाँ, मैं उसको ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी अपने फेस पे। सो गाइज, ये है वो एलो सूदिंग सन क्रीम जिसका शायद मैंने आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखाई थी अभी अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ना, तो ये वही है कॉसारेक्स एक के ब्यूटी ब्रांड है, काफी पॉपुलर ब्रांड है, और ये उसका है एलो सूदिंग सन क्रीम, एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको अमेजोन पे मिल रहा है इस वक्त, सो गो ग्रैब इट। बट उससे पहले मैं आपको इसके रिव्यूज बता दूं, ऑलरेडी मैंने इसको ट्राई करना शुरू कर दिया है, सो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये फिलहाल, और पहले मैं आपको बता देती हूँ इसको
आपके सामने ही मैं दिखाती हूँ कि इसका किस टाइप का टेक्सचर है। 2 to 3 फिंगर्स आप अपने ले सकते हो अगर आप जैसा आप चाहो लेना। सो ये 3 फिंगर्स का मिनिमम ले लेना चाहिए आपको। वैसे मैंने 2 बताया था, बट 3 भी ले सकते हो आप। 3 इज मोर यू नो, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताते कि 3 फिंगर तो होनी चाहिए। तो ये जो इसका जो टेक्सचर है, ये काफ़ी अपने आप में यू नो बहुत ही मॉइस्ट है, हाइड्रेटेड है। सो ओके, पहले मैंने बाल भी अपने टाई नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो आप, बातचीत में आपकी वजह से इतना बिजी हो जाती हूँ मैं, लाइक दिस। एंड नेक के लिए आप अलग से भी कर सकते हो, मैंने फिलहाल कर लिया है इसी के थ्रू। एंड नाउ द टाइम इज कि हम इसको स्किन में ऐसे मसाज करेंगे। अभी आपको देखने पे लग रहा होगा कि यार वाइट कास्ट हो रही है, बट ये बहुत उतनी ही जल्दी स्किन के अंदर ब्लेंड भी हो जाता है गाइस। तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको इसको मेहनत करनी पड़ रही है अपनी स्किन के ऊपर। इसको जो टेक्सचर है वो वाइट कास्ट के बजाय नेचुरल स्किन टोन लाने के लिए इजीली ये थोड़ा सा आपको, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपवर्ड मोशन हमेशा स्किन के ऊपर अपवर्ड मोशन का इस्तेमाल कीजिए। अपनी नेक है और हमारी जो फेस की स्किन है, हमेशा अपवर्ड्स में जाना चाहिए गाइस। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सनस्क्रीन, ये आप देख रहे हो, ये देखो बहुत अच्छे से मैंने इसको स्किन में, आप ही के सामने, कोई मैंने एडिटिंग नहीं की, इसीलिए ये क्लिप मैं बिल्कुल नेचुरल लगा रही हूँ, जिससे आपको ये लगे पता कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा तो देखो सनस्क्रीन होता है तो उसमें एक थोड़ी अपनी एक नेचुरल फिल्म होती है प्रोटेक्शन वाली, तो उससे वो मत हो इरिटेटेड। बट ओवरऑल देखो आप, जो बाकी सनस्क्रीन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इट हैज़ अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ दैट यू नो वाइट कास्ट। अभी मैंने एक सनस्क्रीन ट्राई किया था, इट्स फ्रॉम सम ब्रांड, अभी मैं आप उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट उसमें इतनी ज़्यादा वाइट कास्ट थी गाइज, मतलब मैं वाइट जोकर सॉर्ट ऑफ लग रही थी, और मुझे इतना टाइम लग गया उसको पूरा एब्जॉर्ब करने में। सो ये है अब आपके सामने कॉस्मेटिक्स का एलो सूदिंग सन क्रीम, एंड इट इज वेरी हाइड्रेटिंग। एलोवेरा जेल का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली इट हैज दो सूदिंग प्रॉपर्टीज, एंड स्किन पे बहुत ही लाइट लगती है। ये इसमें एक यू नो एडेड पॉइंट है। कई बार कई सनस्क्रीन्स होते हैं जो हमारी स्किन पे थोड़ा हैवी फील करवाते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये काफ़ी लाइट फील करवाता है, एंड इसके अंदर एक अपना एक प्यारा सा ग्लो भी आपकी स्किन को मिलता है। सो सूदिंग इफेक्ट भी है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, बिकॉज इस सनस्क्रीन में है काफ़ी अच्छी सूदिंग प्रॉपर्टीज गाइज। सो गाइज, ये है कॉस्मेटिक्स का एलो सूदिंग सन क्रीम, जिसमें आपको मिलता है SPF 50+, PA++ का अच्छा प्रोटेक्शन गाइज, प्लस इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है जो कि मैंने आपको बताया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस गाइज इसको इसमें आपको मिलता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये सूद करेगा उसको, एक अच्छा सा सूदिंग इफेक्ट देगा, प्लस साथ में आपकी स्किन को प्रोटेक्शन के साथ साथ ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा गाइज। Yes, now I'm sharing some tips. जब आप परचेज करने जाएं सनस्क्रीन को, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें SPF का लेवल कितना है। SPF 30+ एंड अबव, ये वाले जो लेवल्स हैं ये आपके सनस्क्रीन के लिए बिल्कुल आइडल हैं। आइडली तो SPF 50 वर्क बेस्ट, एब्सोल्युटली बेस्ट, बहुत अच्छा कवरेज देता है। प्लस आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो आपका, उससे आपके सारे UVA UVB सारे प्रोटेक्शन आपको आपकी स्किन के लिए मिल जाते हैं।
देन आप ध्यान रखिए कि आपका जो सनस्क्रीन है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, तो जब आप स्वेटिंग हो रही है या अगर आप बारिश में भीग गए हैं तब भी आपका जो स्किन है वो एक्सपोज ना हो किसी भी डैमेज के लिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सनस्क्रीन की इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको चेक कर लीजिए, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जरूर होना चाहिए गाइस, क्योंकि उससे आपकी जो स्किन है उसको यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन आराम से मिलता है, प्लस ब्लू लाइट से भी आपको आराम से जो यू नो स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाता है अगर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। दूसरी टिप है कि आप जब सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिए कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो तब उससे आधा घंटा पहले अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करिए, तब इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन टू योर स्किन। सो गाइज आज के वीडियो में आई एम श्योर आपको मजा आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा कि सनस्क्रीन क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस अगर आप सनस्क्रीन परचेज कर रहे हो तो आप किन बातों का ध्यान रख सकते हो, एप्लीकेशन कितना जरूरी है और कैसे आप अप्लाई करें अपने सनस्क्रीन को, प्लस आपको पता लगा होगा कि कॉसारेक्स ब्रांड का एलो सूदिंग सनक्रीम जो कि एक के ब्यूटी ब्रांड है, बहुत ही प्रेस्टीजियस के ब्यूटी ब्रांड है, उसका सनस्क्रीन आपको अमेजोन पे बहुत ही इजी एंड अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है, प्लस इट इज सो गुड। मैंने उसका रिव्यू भी दिया है आपको, अभी लाइव मैंने आपको लगा के भी दिखाया है, अप्लाई करके दिखाया है। सो आई एम श्योर आपको आज के वीडियो में काफी मजा आया होगा। और कोई क्वेरी है आपकी स्किन सनस्क्रीन के रिगार्डिंग या स्किन इशूज के रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस ब्यूटी एंड स्किन केयर के बारे में शेयर करती रहती हूँ। एंड आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।